नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है, आज का जो हमने वीडियो का टाइटल दिया है, यदि आपके जीवन में हो यह पांच परेशानियां, तो बिना सोचे विचारे, बिना जन्म पत्रिका दिखाए आप धारण कर लीजिएगा मोती रत्न। क्योंकि जिन समस्याओं के बारे में आज मैं बात करूंगा, वह केवल चंद्रमा के कमज़ोर होने पर ही जीवन में आती है। प्रिय साथियों, शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जाते, चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वीडियो के लास्ट में चंद्रमा के कुछ सटीक और ठोस उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो किन परिस्थितियों में बिना विचार किए मोती हमें तत्काल पहन लेना चाहिए? नंबर एक, मानसिक कमजोरी होने पर। क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है रुद्राष्टाध्यायी, उसके दूसरे अध्याय के 11वें मंत्र में चंद्रमा मनसो जात, यह आता है चंद्रमा हमारा मन का कारक है। तो किसी व्यक्ति को मानसिक कमजोरी है, मेंटली प्रॉब्लम है, उसको चंद्रमा के समस्त उपाय करने के साथ साथ मोती रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। और मोती रत्न धारण करने की विधि और मोती के बारे में तमाम तरह की बातें, किस धातु में पहनना चाहिए, किस दिन पहनना चाहिए, वीडियो के लास्ट के 2 मिनट में आपको बताऊंगा। दवाइयां ना लगने पर, यदि आपके शरीर में छोटी बड़ी कोई बीमारी है और लगातार दवाइयां खाते रहने पर दवाइयां अपना काम नहीं करती, तो चंद्रमा औषधियों के स्वामी कहे जाते हैं, तो भी व्यक्ति को एक अच्छा मोती धारण करना चाहिए। प्रिय साथियों, यदि आपका कारोबार दवाई से संबंधित है तो भी मोती रत्न आपको लाभ करेगा। आँखों में रोशनी कम होने पर, यदि समय से पहले आपको लगता है कि आपके चश्मे का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, तो हमारी ज्योतिष में और पूरे संसार भर में नेत्र ज्योति के 3 ग्रह कारक माने जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। तो नेत्र ज्योति के कमज़ोर होने पर, आँखों की खूबसूरती कम होने पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं मोती रत्न बहुत बढ़िया तरीके से लाभ करता है। चेहरे की खूबसूरती कम होने पर, यदि अच्छा खान पान होने पर, अच्छी व्यवस्थाएं होने पर भी व्यक्ति के चेहरे में जो ग्लो होने चाहिए, जो खूबसूरती होनी चाहिए, जो चमक होनी चाहिए, जो आकर्षण होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, यदि वह नहीं है तो भी व्यक्ति को मोती रत्न धारण करके लाभ उठाना चाहिए। मोती दिव्य रत्नों की श्रेणी में आता है। प्रिय साथियों, अब मोती रत्न के बारे में कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया में सबसे बढ़िया मोती बसरा या वेनेजुएला का आता है, जो काफ़ी महंगा होता है, कम से कम 15 या 20 हज़ार रुपये कैरेट से उसकी स्टार्टिंग होती है। दूसरा मोती लगभग 400-500 रुपये कैरेट के भाव में बढ़िया क्वालिटी का साउथ सी का मोती आता है। और नंबर 3 में बहुत सस्ते मोती जिनकी कीमत 400-500 रुपये तक होती है, 20-30-50 रुपये कैरेट से स्टार्ट हो जाते हैं, कल्चर्ड मोती होते हैं। मोती रत्न चांदी की अंगूठी में ही धारण करना चाहिए, कनिष्ठा उंगली में मोती पहनना चाहिए। मोती नीलम और गोमेद रत्न या लहसुनिया के साथ नहीं धारण करना चाहिए। मोती रत्न सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक चंद्रमा की होरा में ओम चंद्रमसे नमः या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके अवश्य पहनना चाहिए। मोती रत्न धारण करने के उपरांत व्यक्ति को खीर, चावल, चीनी या दूध से बने हुए पदार्थ, सफ़ेद वस्तु का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। शुद्ध मोती धारण करने के उपरांत व्यक्ति के चेहरे में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। जल संबंधित रोग शरीर में होने पर, ब्लड इन्फेक्शन है और तमाम तरह की बीमारियां शरीर में होती हैं,
मोती रत्न इसमें विशेष लाभ करता है। तो प्रिय साथियों, सबसे ज़्यादा जो समस्या व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है वह मानसिक रोग, मेंटली प्रॉब्लम, बड़े बड़े परिवारों में, बड़े बड़े करोड़पतियों में और मध्यम परिवार के लोगों में, गरीब परिवार के लोगों में, सभी में मानसिक समस्याएं आम तौर पर देखी जाती हैं। तो मानसिक कमजोरी होने पर मोती रत्न बेहद लाभ करता है। पुखराज रत्न के साथ मोती विशेष लाभ प्रदान करता है, गज केसरी योग बनाता है। माणिक्य के साथ भी मोती धारण करके विशेष लाभ उठाया जा सकता है। मूंगे के साथ मोती पहनकर लक्ष्मी योग बनता है, महालक्ष्मी योग बनता है। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही यूजफुल जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।